What's up everyone, welcome back to my channel Vibes with Tanisha. तो फिर तुम आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. गाइस फिलहाल हूँ मैं पैराडाइज ऑन अर्थ पे और हम लोगों ने कैसे लैंड किया, कौन सी फ्लाइट थी, कहाँ से क्या था, जो भी कुछ था, नीचे डिस्क्रिप्शन में से पहले वाला व्लॉग है वो आप लोग देख सकते हो. और ये है हमारा डे वन इन कश्मीर. अभी फिलहाल हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर हैं और बारिश ने और ठंड ने हमारा स्वागत किया है. और मेरे बेबा पहन रहे हैं उनकी जैकेट और मेरे को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं, हवाबाजी में नहीं रहना है, कपड़े अच्छे से पहन के रखने हैं. सो अभी ये मुझे मेरी कैप निकाल कर देंगे, उसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. पहले तो भूख लग रही है बहुत तेज, तो आप लोग पूरा व्लॉग एंड तक देखना. मैं चाहती हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप हो, क्योंकि ये मेरी ड्रीम प्लेस है, वन ऑफ माई ड्रीम प्लेस इज कश्मीर. एंड बोलते हैं ना, मेरे को एक बार ज़रूर आना था. पापा हमेशा कहते थे शादी से पहले कि चलेंगे कश्मीर चलते हैं, बट मेरी मम्मी हमेशा मना कर देती थी क्योंकि उनको डर लगता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, बस है, इनको भी है. ये तो मुझे बीच प्लेस पे लेकर जा रहे थे, लेकिन मेरी ड्रीम प्लेस की वजह से ये मुझे यहाँ ले आए हैं, क्योंकि मुझे भी पता था अगर अब नहीं लेके जाएंगे तो फिर मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इस बार ये सिर्फ मेरी बात मान सकते हैं. तो हमने टैक्सी कर लिया दल लेक जाने के लिए. और ये रहिए, हेलो कर दो सर, बहुत ठंड है. भीग चुके हैं ये बिल्कुल, और कैप नहीं पहन रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल भी. काट रहा है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा वो. और आज हम स्टे दल लेक में करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको आज पूरा मतलब दल लेक दिखाऊंगी, और जो भी हम पूरे दिन में करते हैं मैं वो दिखाऊंगी. अभी हमने जस्ट ब्रेड पकौड़ा खाया था, वो मैं शूट करना भूल गई. उतरते ही ना बहुत तेज सर में दर्द और भूख लग रही थी, तो इसलिए मेरी कैप कैसी लग रही है बताना. इस यहाँ पे हमारी जो सिम्स हैं वो तो बंद हो गई हैं, तो हमने अपने जो भैया हैं टैक्सी वाले उनके फोन से हमने घर पे कॉल करी है. मैंने नोएडा करी है, इन्होंने वहाँ पे घर पे करी है बापा जी के पास. तो अब बस हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं, और हम अपनी आइटनरी प्लान कर रहे थे क्या कैसे करना है. करके आए हैं घर से प्लान, लेकिन अब कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि बारिश बिल्कुल बंद नहीं है यहाँ पे. और गुलमर्ग में और सोनमर्ग में पहलगाँव में वहाँ पे हो रही है स्नोफॉल बहुत तगड़े वाली, और जमा सॉक्स भूल कर आए हैं. अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बताओ. चलो गाइस बाकी पहुंच के मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ, भूख तो इतनी तेज लग रही है बस क्या बताओ. हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं. अब एक हमारी पेड प्रीपेड है हमारी, हमें पोस्ट पेड लेनी है. हम सोच रहे हैं पोस्ट अच्छा, हम सोच रहे हैं पोस्ट पेड सिम ले लें. इस यहाँ पे बारिश की वजह से हाउस बोट में स्टे अभी बंद किया हुआ है. बेबा को मैं पीछे छोड़ कर आई हूँ कि आप यहाँ पे रुको, मैं पूछ कर आती हूँ कि कब शिट बिजली कि कब तक, भाई साहब देख रहे हो कि कब तक ओपन हो जाएगा हाउस बोट का स्टे. अगर वो बोलते हैं कि थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा तो हम लोग फिर कुछ पहले खा पी लेंगे और यहीं पे स्टे कर लेंगे. फिर होटल्स क्यों ही जाना है जब हमारा मन दल लेक में स्टे करने का है. तो यहाँ पे बहुत गंदी ठंड है गाइस, कांट टेल यू. मुश्किल से हमें एक भैया मिल गया है और हम शिकारा में राइड कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो शिकारा जो राइड है वो तो हम तभी करेंगे जब वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा. सो देखिए, और ये कैप नहीं पहन रहे हैं, प्लीज़ कैप पहन लो क्योंकि बस गाइस बारिश नहीं चाहिए यार, सब कुछ चाहिए बस बारिश नहीं चाहिए. Thank you.
तो हम हाउस बोट में आ गए हैं. हमारी हाउस बोट का नाम है जेनेवा. और आज का दिन गाइस कहीं पे भी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं. होप सो शाम तक सब कुछ ठीक हो जाए बाय गुरुजी ग्रेस. अगर हम होटल में भी रुकते तो वहां पे भी एक कमरे में बंदी हो जाते, कुछ कर ही नहीं पाते. तो इसलिए कम से कम हाउस बोट का एक्सपीरियंस तो ले लेंगे. तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए. और अभी सब हम भीग चुके हैं बिल्कुल, तो बस चेंज कर रहे हैं कपड़े. और हम भूख इतनी तेज लग रही है तो कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर किया है. आप लोग वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके फिर आपसे बात करती हूँ. हमने चाय और मैगी मंगाई है. इन्होंने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया, मेरा वेट भी नहीं किया. मजाक कर रही हूँ, अभी मेरा वेट ही कर रहे थे. और यहाँ पे हम अपने कपड़े सुखा रहे हैं जो गीले हो गए हैं. ठीक है, ये अब ऐसे बताऊंगी नहीं, बट ये एक प्लेट मैगी है, देख लो. प्राइस भी बताओ, प्राइस भी बता दो. नहीं बताओ, बिल्कुल बताओ. गाइस ये 60 रुपए की मैगी है. एक बार बस बोल ऐसे कर दो प्लीज. तो हमने वो चाय और मैगी खा ली है अपनी. बहुत ही अच्छी क्वांटिटी थी उसकी. पेट बिल्कुल हमारा फुल हो गया है बिल्कुल, बस पूछो मत. अब थोड़ा सा जरा बाहर टहलने जा रहे हैं, मौसम देख के आते हैं कैसा हो रहा है. कहीं वैसे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि डल लेक में है. और ये लोग अभी अपने शिकारा नहीं चला रहे हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है. हाँ जी, हाँ हवाएं बहुत ज्यादा गंदी चल रही हैं. तो हम बस ऐसे ही बाहर डोल डाल के आते हैं इनकी इसमें ही, हाउस बोट में ही. कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं मैंने तो, नीचे वो पहन लिया लोवर. आओ चलो चलो देख के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं. गाइस यहाँ पे बहुत ही तेज हवा है, देखो. हाँ पानी देखो, ये देखो. हम लोग बाहर गए थे और हमने देखा कि सनलाइट है अभी प्रॉपर, फिर उसके बाद अंधेरा ही हो जाएगा. तो हमने सोचा क्यों ना इंस्टाग्राम तनीषा शर्मा 2127 के लिए कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए जाएं. इसलिए मैंने ड्रेस चेंज की है. और फिर मॉर्निंग में तो 11 o'clock हम चेकआउट कर देंगे और नाइट की भी कुछ फोटोज हम क्लिक करेंगे. तो इसलिए अभी हम दिन वाली क्लिक करने जा रहे हैं. और तो कुछ है ही नहीं यार, यही काम कर लो. इतनी गंदी हवा है ना. और इन्हें देखो, इन्हें ना टोपा ना कुछ, देख लेना एक मिनट देख लो बस. ठंडी लगती है तुम्हें? ठंडी लगती है. बैठी हमारे फोटोज कहाँ देखने के लिए मिलेंगे बता दो एक बार. इंस्टाग्राम गाइस आईडी तनीषा शर्मा. आगे क्या है बोलो बोलो, आगे बताओ. 121 क्या है? कैंसिल कर दे उसको. गाइस ये है मेरा पति, ये है मेरा पति. कैंसिल कर दे इसको, ये हम दोबारा से करेंगे. नहीं हम यही डालेंगे, अब हम दोबारा से नहीं करेंगे. हम दोबारा से करेंगे. इट्स 2127. ओह सॉरी यार, तनीषा शर्मा 2127 पे देखने के लिए मिलेगा गाइस. पहले वही था ना 121. सब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को शाम का नजारा दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे. और तो आप लोग चेक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसके लिए. ठीक है चलो रेस्ट कर लेते हैं हम, उसके बाद मिलते हैं गाइस. तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं. मैं दूसरे फोन में आपको दिखा भी देती हूँ टाइम ना, देखो. ठीक है और क्या बोलते हैं, हम लोग सो गए थे क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हुए थे ना, तो हम लोग सो गए थे. और अभी तक बारिश बंद नहीं है. और खाने का यार एक चीज है भाई साहब, अगर आपको दिख रहा है कि मौसम खराब है या फिर कुछ भी है तो मत रुकना हाउस बोट में, बिल्कुल भी मत रुकना. क्योंकि यहाँ पे पता है 2 रोटी 2 सब्जी ठीक है और थोड़े से चावल 350 रुपीज पर पर्सन. और ना ही आपको बाहर लेकर जा रहे हैं, ना कुछ 6 बजे के बाद ही आपको बोल देंगे हम नहीं जा रहे. तो भाई बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है मेरा तो अभी तक यहाँ पे फॉर डे वन में, क्योंकि बारिश ही बंद नहीं हो रही है. बस वही है कि दोपहर में हमने जो फोटोज क्लिक कर लिए थे वो कर लिए थे और थोड़ी नींद पूरी हो गई है. और तो
आज कुछ भी नहीं हो पाया, आप लोगों ने देखा अभी शाम हुई है, अब बाहर निकलते हैं, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो आगे आगे ब्लॉग देखो। यहाँ पे जैसे तैसे हमने खाना अरेंज करवाया 350 में पर पर्सन, तो दोनों का 700, और बाहर ही जाके खाना है, देख दो कुछ पैरों में। तो चलो चलते हैं, और बस ये है यार कि मत रुकना आगे से, बिल्कुल भी मत रुकना, स्पेशली जब वेदर खराब हो। अगर वेदर ठीक हो ना भाई, शौक से रुकना, वरना तो मत रुकना। और यहाँ पे हमारी प्लेट्स लग गई हैं, और बाहर का हाल दिखाऊं अभी भी बहुत खराब है भाई। एक इंसान नहीं दिखेगा आपको पूरी डल लेक में। हमारा खाना लग गया, ये बेबा और मैं खाना खाएंगे। दो सब्जी दे रहे हैं, दाल एंड मिक्स वेज, राइस और दो दो चपाती। तो चलो गाइस खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। बहुत बुरी हालत हो रही है। हमारा वॉशरूम, यहाँ पे ऐसे विंडो है, ये यहाँ से बाहर आके गाइस ये हमारा रूम है, जो कि हमने पूरा क्लीन कर लिया है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये हीटर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ये हमारे बैग्स पैक्ड हैं, ये भी एक हमारा हीटर है, ये हमने जो कल खाया था वो सब है। अब हमारा चेकआउट का टाइम है, तो हमने ब्लैंकेट ऐसे फेंक दिया है। और ये जो भी कुछ होता है गाइज, ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो लगा हुआ है बेड पे फैन के जस्ट नीचे, ये इनका हैंडमेड होता है, और इसमें से ग्रीन वर्क है। और ये यहाँ पे बैग्स उठाते हुए, और ये छोटू सा यहाँ पे क्यूट सा मिरर दिया हुआ है ये रिम है, और ऐसे है। हमारा फर्स्ट ही रूम था, बाकी आगे और भी रूम्स होंगे। ये इनकी किचनेट है छोटी सी, ये ऊपर जाने का रास्ता, और ये आगे और रूम्स होंगे, मैं नहीं जा रही हूँ आगे। और ये है आपकी एंट्रेंस, ये सिटिंग एरिया,